We have held that Article 370 is a temporary provision. अज देश दी नजरां सुप्रीम कोर्ट वाल टिकिया होईयां सन कि जम्मू कश्मीर नूं लै के सुप्रीम कोर्ट वल्लों किहड़ा वड्डा फैसला आउण वाला है। ये फैसला ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के भविख की नवी नींह रख सकता है, असल दे विच देश दे इतिहास विच एक नवी मिसाल भी पैदा करता है। तुहानू दस दिंदे हां कि जम्मू कश्मीर तो धारा 370 नूं हटाउण दे खिलाफ दायर पटीशनां उत्ते सुप्रीम कोर्ट वल्लों अपना फैसला सुनाया गया। यह पटीशन सुप्रीम कोर्ट विच 5 जजां दी बेंच अगे दायर की गई है। धारा 370 हटाउण दे फैसले नूं चुनौती दी गई सी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर नूं अपना फैसला इस उत्ते सुरक्षित रख लिया सी। अते अज किहड़ा फैसला सुनाया गया, नज़र मारदे हां इस खास रिपोर्ट दे विच। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर च धारा 370 नूं हटाउण दे खिलाफ दायर पटीशनां उत्ते अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि धारा 370 एक अस्थाई व्यवस्था है और नाल ही किया है कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव करवाने के कदम चुके जाने चाहिए ने। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर ने भारत में शामिल होने तो बाद प्रभु सत्ता का तत् बरकरार नहीं रखा। दस दिने कि राज नूं दो हिस्सा जम्मू कश्मीर अते लद्दाख दे विच वंडिया गया सी। इस विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट विच कुल 23 पटीशनां दायर कीतियां गईयां सन। 5 जजां दे बेंच ने सारियां पटीशनां उत्ते इकट्ठे सुनवाई कीती है। लगातार 16 दिनां तक चली इस मामले की सुप्रीम कोर्ट विच सुनवाई 5 सितंबर नूं खत्म हो गई सी। इस तों बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया सी, भाव कि सुप्रीम कोर्ट ने 96 दिनों की सुनवाई तो बाद इस मामले उत्ते अपना फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगवाई वाली 5 जजां दे इस संविधानिक बेंच विच जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। फैसला सुनाते हुए CJI चंद्रचूड़ ने कहा है कि धारा 370 एक अस्थाई व्यवस्था है। धारा 370 नूं खत्म करन दा नोटिफिकेशन जारी करन दी राष्ट्रपति दी शक्ति जम्मू कश्मीर दी संविधानिक सभा भंग होण तों बाद भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर उत्ते केंद्र सरकार दा फैसला बरकरार रहेगा। CJI ने कहा है कि राष्ट्रपति वल्लों लिया गया फैसला जायज़ है। भारतीय संविधान दीयां सारियां धाराएं जम्मू कश्मीर उत्ते लागू हो सकदियां ने। चीफ जस्टिस ने कहा है कि जदों राजा हरि सिंह ने भारत नाल रलेवे दे समझौते उत्ते दस्तखत किए सन तां जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता खत्म हो गई सी, इह भारत के अधीन हो गया सी। इह स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर भारत का अनखड़ मांग है। भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान तो उत्तम है। धारा 370 एक अस्थाई व्यवस्था है। धारा 370 उत्ते फैसला पढ़द्या होया चीफ जस्टिस ने कहा है कि सूबे च जंग की स्थिति कारण धारा 370 अंतरिम व्यवस्था सी। धारा 370 3 के तहत राष्ट्रपति को एक नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार है कि धारा 370 की होंद खत्म हो जाती है। धारा 370 जम्मू और कश्मीर संविधान सभा के भंग होने तो बाद भी मौजूद रहेगी। संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति लई पाबंद नहीं सी। जम्मू और कश्मीर विधानसभा नूं एक अस्थाई संस्था बनाउण दा इरादा सी। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश तो बाद ही धारा 370 उत्ते कोई हुक्म जारी करे। धारा 370 नूं बेअसर करके नवी व्यवस्था ने जम्मू कश्मीर नूं बाकी भारत नाल जोड़न दी प्रक्रिया नूं मजबूत कीता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर तो धारा 370 नूं हटाउणा संविधानिक तौर उत्ते जायज़ है। जम्मू कश्मीर उत्ते केंद्र सरकार दा फैसला बरकरार रहेगा।
उत्थे इस फैसले नूं लैके जिथे जम्मू कश्मीर दे लोक काफी खुश ने उत्थे ही इस मामले उत्ते पीएम नरेंद्र मोदी वल्लों भी ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा है कि धारा 370 नूं हटाउण उत्ते सुप्रीम कोर्ट दा अज दा फैसला इतिहासिक है, जिस विच भारतीय संसद वल्लों 5 अगस्त 2019 नूं लए गए फैसले दी संविधानकता नूं बरकरार रख्या गया। करण सिंह ने प्रधानमंत्री तो जम्मू कश्मीर नूं राज दा दर्जा जल्द बहाल करन दी मांग भी कीती है। उधर मान्योग सुप्रीम कोर्ट दे फैसले नूं लैके डीपीएपी दे प्रधान गुलाब नबी आजाद ने निराशा दा प्रगटावा कीता है। उन्हां कहा है कि मान्योग अदालत दे फैसले तो जम्मू कश्मीर दे लोक खुश नहीं ने। उन्हां कहा है कि आर्टिकल 370 नूं हटाए जाना जम्मू कश्मीर नूं विशेष अधिकारां तो वांझा करदा है ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 35A ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।